हे गाइस, वेलकम टू द ई लर्नम फॉर्मरली नोन एज स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सोच रहे होंगे कि कैसे चीज़ें करें, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में। कई सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, वीडियोज़ हैं, आप देखते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई चीज़ें होती, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और लर्न करते रहिए, सीखते रहिए एंड इम्प्रूव करते रहिए अपने मिस्टेक्स को, ताकि आप आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो ICMR हो या कोई भी एग्जामिनेशंस हो, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए। सो यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले टेक्निक्स के बारे में, तो सम टेक्निक्स यू नीड टू नो एंड यू नीड टू नो द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स हियर। क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं, फॉरेन जीन ट्रांसफर्स के लिए यूज़ किया जाता है, नियोमाइसिन टीके जीन कैसेट्स जीन नॉकआउट के लिए यूज़ होता है, समटाइम्स नॉक इन, लेकिन मोस्टली जो होता है नियोमाइसिन रेजिस्टेंस और टीके जीन कैसेट आपके जीन नॉकआउट के लिए किए जाते हैं। दिस इज़ लाइक ये जो है आपका PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस DNA और cDNA एम्प्लीफिकेशंस के लिए होते हैं, रेस रैंडम कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स यूज़ किया जाता है 543 प्रिंट एनालिसिस के लिए, RFLP पैरेंटल और क्रिमिनल एनालिसिस के लिए, दिस इज़ कोडोमिनेंट मार्कर, RAPD जो है दिस इज़ यूज्ड फॉर द इवोल्यूशनरी स्टडीज़ के लिए किया जाता है, AFLP DNA पैरेंटल और पेडिग्री एनालिसिस, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शंस, रेडियो इम्यूनोएसे फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रोटीन, ELISA इज ऑल्सो यूज फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रोटीन। इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं ये सारे टेक्निक्स। एंड चिप क्रोमैटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन इज यूज फॉर द क्रोमोजोमल डिलीशंस एडिशन एबनॉर्मेलिटीज एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग्स, फ्लो साइटोमेट्री इज यूज फॉर द सेल मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शंस, फैक्स इज यूज फॉर द सेल साइकिल, सेल सॉर्टिंग एंड एपोप्टोटिक सेल्स, सदर्न ब्लॉटिंग फॉर द DNA एनालिसिस, नर्दर्न फॉर द ट्रांसक्रिप्ट mRNA एनालिसिस, वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर द प्रोटीन एनालिसिस, ईस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एनालिसिस। इसके अलावा DNA माइक्रो एरे चिप फॉर मेनी जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस इन विट्रो, ये जो होते हैं इन विट्रो होते हैं, एंड फिश फ्लोरिसेंस इन सिचू हाइब्रिडाइजेशन इज यूज फॉर इन वीवो DNA और जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, एंड फ्रेट फ्लोरिसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर इज यूज फॉर द प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शंस और न्यूक्लियोटाइड एनिलिंग प्रोसेस। इन सब चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। East 2 hybrid assay for the protein-protein interactions, fast display for the protein-protein interactions, surface plasmon resonance for the interactions of biomolecules, protein-protein, protein-DNA ligand receptors, transcriptome analysis, large number of genome expression analysis in vivo, that SDS page protein molecular weight determinations, agarose gel electrophoresis DNA molecular weight determinations, and UV visible spectrophotometry for the concentration determinations, circular diachronism for the secondary structure determinations of protein, NMR for the tertiary structure determination of protein, and X-ray for the tertiary structure determination of protein, and it is more accurate than NMR. Mass spectrometry is used for the biomolecules, biomolecule mass determination, IR spectroscopy for the functional groups, fluorescence for the organic group determination, light microscopy for the 2D, confocal for the 3D, phase contrast for the living natural cells, SEM for the surface view, TEM for the internal view, chromatography for the protein or RNA purifications, and affinity for the mRNA purifications. So these are the various techniques and their applications. Let's talk about the RDT में सबसे बड़ा important part, restriction induced nuclease. ये होता है एक defense mechanism का part होता है, जो कि bacteria किसी भी foreign DNA के लिए apply करता है. It recognizes double-stranded DNA and the palindromic sequences. ये जो होता है ये double-stranded DNA पे ही काम करता है और palindromic sequences इसको चाहिए. It has the recognition site and cutting site. इसके पास एक recognition site और एक cutting site दोनों अलग अलग होते हैं. लाइक यू हैव टू यूज चारगाफ रूल आप यूज कर सकते हो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, जहां पे कि
प्यूरिन 50% और पिरिमिडिन 50% हो जाते हैं, जो कि इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों के लिए। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो कि बैक्टीरिया खुद के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिकली कट कर देता है किसको, किसी भी डीएनए को। व्हेन यू टॉक अबाउट कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी डीएनए के लिए। मान लीजिए कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये जो था ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अब कट करना है। डेफिनेट सी बात है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर इसके पास कोई पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस मिला तो ये इसको कट कर देगा, कुछ इस तरीके से कट कर दिया, फ्रैगमेंट जनरेट कर दिया। तो ये फ्रैगमेंट जनरेट कर देगा, तो फ्रैगमेंट जनरेट करेगा आपके ऑब्वियसली बात है किसके लिए, फॉरेन डीएनए के लिए। किसके लिए, ये फॉरेन डीएनए के लिए करता है, क्यों, क्योंकि अपने डीएनए को कोई भी इकोलाई सेल्फ डीएनए के लिए कैसे बचाता है, मॉडिफिकेशन के लिए जाएगा। और वो मॉडिफिकेशन सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन जो होते हैं 1, 2 और 3, इस तरीके से जो होते हैं तीन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इसके अलावा एक और भी पाया जाता है, बट मोस्टली तीन तरीके के होते हैं। अगर आप देखेंगे टाइप वन मॉडिफिकेशन सिस्टम, इट इज़ बाई फंक्शनल होते हैं इसके एंजाइम्स, इसमें यूनिफंक्शनल होते हैं, इसमें जो होते हैं बाई फंक्शनल होते हैं। बाई का मतलब दो फंक्शन साथ में करने वाले, बाई का मतलब दो फंक्शन साथ में करने वाले, यूनि का मतलब एक फंक्शन। ये हेटरो मतलब डिफरेंट यूनिट, तीन अलग अलग यूनिट के बना हुआ है हेटरोट्राइमर। होमोडाइमर का मतलब दो यूनिट का बना हुआ है, सेम यूनिट हैं। हेट्रोडाइमर का मतलब दो यूनिट है, अलग अलग हैं। ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है टाइप वन, टाइप टू एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, टाइप थ्री जो है एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, सो हियर दैट दिस टाइप वन 1000 बेस पेयर अवे होता है, ये आपके रिकॉग्निशन से इसकी कटिंग साइट जो होती है जहाँ रिकॉग्नाइज करेगा उससे 1000 बेस पेयर अवे होता है। टाइप टू नियर होता है, टाइप थ्री जो होता है 25 बेस पेयर जो होता है डाउन स्ट्रीम पर आ जाता है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशंस जो होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशंस वो आपके सेम होते हैं इन दिस पर्टिकुलर टाइप वन, टाइप टू में डिफरेंट होते हैं एंड टाइप थ्री में सेम होते हैं। टाइप वन लेस कॉमन है, टाइप थ्री भी लेस कॉमन है, टाइप टू कॉमनली यूज्ड है, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, एटीपी इंडिपेंडेंट होते हैं, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम एक बार फिर से देखें तो इन द टाइप वन इट इज़ सिंगल मल्टी सब यूनिट हैविंग बोथ एंडोन्यूक्लियेजेस एंड मेथाइलेज फंक्शन, दोनों के दोनों होते हैं। टाइप टू में सेपरेट एंडोन्यूक्लियेज एंड मेथाइलेज फंक्शंस होते हैं, एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन अलग एंजाइम करेगा, मेथाइलेज का अलग करेगा। टाइप थ्री में क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन अलग है, मेथाइलेशन अलग है। नाउ रिकॉग्निशन एसिमेट्रिक होता है यहाँ पे, या टाइप टू में पैलेंड्रोमिक होते हैं और ये टाइप थ्री में एसिमेट्रिक यूनिपार्टाइट है। इसके अलावा जो होते हैं रिकॉग्निशन साइट लेंथ जो होता है 8 से 16 बेस पेयर पा जाता है टाइप वन में एंड 4 to 9 बेस पेयर टाइप टू में है, टाइप थ्री में 5 to 7 बेस पेयर है। मेथाइलेशन जो होते हैं रिकॉग्निशन साइट के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट पे होता है। इन सब में एटीपी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन द पर्टिकुलर टाइप सेकंड सिर्फ और सिर्फ Mg2+ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एटीपी। टाइप वन 1000 बेस पेयर अवे कट कर रहा था और यहाँ पे 25 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम कट कर रहा था, लेकिन टाइप टू नियर द रिकॉग्निशन साइट कर रहा था। एग्जाम्पल टाइप वन का इको के इको बी इन्वॉल्व होते हैं, इन द टाइप सेकंड इको R1 इको RV एंड इन द टाइप थर्ड इको P1, P15 ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ सो व्हेन यू सी दैट वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हियर देखिएगा GA के बीच में यहाँ पे क्या होता है, कटिंग साइट होती है। ये जो होते हैं ये आपका यहाँ पे कटिंग साइट होता है, यानी ये जो जनरेट करेगा इको R1 दिस विल जनरेट द स्टिकी इंडेड, आपको स्टिकी इंडेड जनरेट करेगा कोई भी चीज़ इन द टैक पॉलीमरेज वन। यहाँ पे देखिए TC यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ये भी स्टिकी इंडेड जनरेट करेगा, स्टिकी इंडेड जनरेट करेगा। नाउ इसके अलावा जो है HIN3 ये जो है AA, ये देखिए यहाँ पे है AAG, तो ये भी स्टिकी इंडेड कर रहा है, HIN3 जो है स्टिकी इंडेड है। BAMH1 GG के बीच में कर रहा है, ये भी स्टिकी इंडेड है, देखिए स्टिकी इंडेड है। व्हेन यू सी आलू देखिए G और C के बीच में कर रहा है, यानी दोनों बेस पेयर है, तो ये जो है वो ब्लंट इंडेड पाया जा रहा है। याद करने का तरीका है, पहले बस 3 बेस पेयर का याद कर लो, बाकी दूसरा वाला इधर ही से हो जाएगा, इसका ये कर लो, ये इसी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ होगा, इसका
कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ होगा, ये दोनों एंड से हमेशा पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेस सेम होते हैं। बस तीन बेस पेयर, इसका दो याद कर लो, इसका तीन याद कर लो। ये आग है, ये जो आग है यहाँ पे जी जी ए है, यहाँ पे जी जी ए है भैया, ये जी ए ए था और ये पे ए जी ए जी था। बहुत सीधा सा है, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा याद कर लोगे बाकी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। लेट मी शो यू विद द इको आर्बन वाई आई एम सेइंग दिस। देखिए अगर आपने जी ए ए को कर लिया, जी ए आपको पता चला भैया कि इंग्लिश गाना है, ठीक है, ई का मतलब इंग्लिश गाना। कोड मैंने आपको बता दूँ कि यू कैन रिमेम्बर इंग्लिश गाना, ठीक है, इंग्लिश गाना जो था आपका था इंग्लिश गाना, ये है जी ए। जी ए ए अगर एक तरफ हो गया फाइव प्राइम एंड, तो इसका आपको पता है कि दिस इज़ लाइक, यहाँ से जी ए ए ले लो, ये हो गया जी ए ए। कॉम्प्लीमेंट्री तो आप लिख ही सकते हो ना, जी ए का सी टी टी हो जाएगा, इधर हो गया आपका पूरा सिक्वेंस। तो एक्चुअली आपको चाहिए क्या था, सिर्फ इतना, सिर्फ और सिर्फ किसी भी सीक्वेंस का, अगर वो चार बेस पेयर का सीक्वेंस है तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो सीक्वेंस चाहिए, दो बेस पेयर याद रखना है। अगर वो छह बेस पेयर का सीक्वेंस है तो आपको सिर्फ और सिर्फ तीन बेस पेयर ध्यान रखने हैं। जैसे कि इको आर वन का क्या मैंने बताया, गा। टैग का क्या बताया, टी सी। हिंद का क्या बताया, आग। बैम एच वन का क्या बताया, दैट जी जी ए। एंड आलू का क्या बताया, जी सी। हो गया, देखो, या ए जी याद रखो, नॉट जी सी, कटिंग साइड जी सी है ना। वैसे शुरुआत से किसी एंड से ध्यान रखना, तभी क्लियर हो जाएगा, ए जी। हो गया, सो दिस इज समथिंग जो कि आप ध्यान रख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। इन सब में पहले ही एंड पे कट हो रहा था, इन सब पे पहले ही एंड पे कट हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे कट हो रहा था जी सी के बीच में। इट इज़ लाइक समथिंग जो आप कर सकते हो। वेक्टर्स आर लाइक एक्सप्रेशन वेक्टर्स, सटल वेक्टर्स या क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर्स दे आर लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट क्लोनिंग। साइज इज स्मॉल, ओराई पे आ जाता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, हाई कॉपी नंबर, सेलेक्टेबल मार्कर, स्क्रीनेबल मार्कर, रेगुलेटरी एलिमेंट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट, दीज ऑल थिंग्स विल बी देयर। सटल वेक्टर जिसके मोर देन वन होस्ट पाए जाते हैं, जो कि आपके जैसे कि मान लो ई कोलाई में भी उसको भेजा जा रहा है और उसके साथ साथ ईस्ट में भी भेजा जा रहा है, जैसे कि आपके येक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, जो कि इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। दिस विड बी एक्ट एज अ सटल वेक्टर। या क्या है, यह है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। एक्सप्रेशन में जब हम बात करते हैं, दिस कैन बी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होना चाहिए, स्टार्ट एंड स्टॉप साइट होना चाहिए, इसके पास प्रमोटर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। इस प्रमोटर एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास जनरली अलग करती है एक्सप्रेशन और आपके क्लोनिंग वेक्टर को, प्रमोटर एंड एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट। राइबोसोम बाइंडिंग साइट के ऊपर जब हम बात करेंगे, देखिएगा कि राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये है एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट और ये है प्रमोटर। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें क्लोनिंग वेक्टर में नहीं होती। उसमें मॉलिकुलर वेट तो इसका भी छोटा होना चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर का बाकी प्रॉपर्टी जो है, रेस्ट फॉर क्लोनिंग वेक्टर प्रॉपर्टीज जो हैं यहाँ पे होनी चाहिए, रेस्ट प्रॉपर्टीज यहीं पे इन्वॉल्व हो जाएंगी। सो वही बोल रहा हूँ कि बाकी चीज़ें तो कॉमन होंगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे कि आपके राइबोसोम बाइंडिंग साइट, प्रमोटर्स एंड स्टार्ट एंड स्टॉप साइट्स, ये जो है आपके इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है ना। क्लोनिंग वेक्टर, जैसा कि आपको बताया गया कि क्लोनिंग वेक्टर भैया एक स्मॉल पीस होता है जो कि क्लोन करने के काम आता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन चाहिए, क्लोनिंग साइट चाहिए, सेलेक्टेबल रिपोर्टर जीन चाहिए। लेकिन एक्सप्रेशन वेक्टर जो होते हैं, दे आर यूज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए होते हैं। इनके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होना चाहिए, एक टर्मिनेशन कोडॉन होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन प्रमोटर एंड क्लोन जीन्स होना चाहिए। तो दीज आर द सम थिंग्स जो कि आपके स्पेसिफिक चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं। सब वेक्टर्स आर देयर, जैसे M13 फाजमिट, लेमडा फाज, काजमिट, P1 फाज, पैक बैक, यैक, एम मैक। तो इसमें क्या होता है, इकोलाई जनरली होस्ट पे आ जाते हैं, पैक बैक यहाँ से ईस्ट होता है, मैक का जो होते हैं ये मैमल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। दीज आर द मैमल्स। नाउ वेन यू टॉक अबाउट द इंसर्शन साइज, दिस इज लाइक 4K मल्टीपल में ध्यान रख लो, दिस इज लाइक कोड यहाँ पे याद बस क्या कर लो, मल्टीपल्स ऑफ 4 कोड याद सकते हो। देखिएगा ये क्या है, मेघा पानी कहते हैं कि MPL, ठीक है, MPL था, CP, P1 फाज, पैक हो गया, उसके बाद बैक, ठीक है, Y, ठीक है। तो इसके बाद देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक मेघा, पानी लाओ, चाय पिलाओ, कोड के तौर पे आप याद कर सकते हो, दिस इज़ लाइक मेघा पानी लाओ चाय पिलाओ,
फिर बाय बाय पी वाई, ठीक है। यही सारा का सारा जो है आपका कोड था, मेघा पानी लाओ चाय पिलाओ फिर बाय बाय, दैट M13 फाजमिड लेमडा फाज काजमिड, ये सारे पैक बैक ये कि सारा का सारा केस चल रहा था। दैट इट इज़ लाइक कोड के ऊपर जब हम बात करते हैं तो M13 है, इकोलाई 1 to 4 KB है। फाजमिड के ऊपर जब हम बात करेंगे तो फाजमिड जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जा रहा है ये है आपका इस पर्टिकुलर केसेस में फाजमिड है 8 KB है, लेमडा फाज है 5 to 25, मल्टीपल चलेगा 4, ऑन एन एवरेज 4 8, फिर 8 4 2 8, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं डबल के लिए अच्छा 8 दिस लाइक 8, फिर इसमें क्या हो जाएगा 8 2 16, इसमें 32, इसके बाद लगभग लगभग 32 के आसपास लाएगा 60 से 70 KB, ठीक है 64 के आसपास, उसके बाद इसको करोगे तो 120 128, इसके बाद इसको करोगे तो 256 के आसपास, एंड इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो ये क्या है, जस्ट डबल चल रहा है। यू जस्ट रिमेंबर पहला वाला 4 KB कंसीडर करो और दूसरे के साथ उसका डबल करते चले जाओ। इस कोड के साथ कौन कौन क्या था, M13 फाजमिट लेमदा फाज कॉजमिट पी1 फाज पैक बैक यैक मैक, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हो।